अब तक आपने देखा कि पागल बेटे की शादी हो जाती है, लेकिन जिस लड़की के साथ उसकी शादी होती है वो उसकी बचपन में बिछड़ी हुई बहन निकलती है। इस बात से नाराज होकर पागल बेटा काम वाले से सेटिंग कर लेता है। इस बात से गुस्सा होकर घर वाले उसे उसके दादाजी के पास भेज देते हैं। और अब आगे। ए मेरी जलपरी, जल्दी से मेरे पास आ जा। देखा है पहली बार साजन की आंखों में। आप जब भी मुझे जलपरी बोलते हो ना, मेरा दिल धक धक करने लग जाता है। अच्छा हुआ इस पागल बेटे को हमने उसके दादाजी के पास भेज दिया, कुछ दिन रहेगा ना वहाँ, अच्छा होगा। एक बार फोन करके बता दो दादाजी को। हेलो हेलो बाबूजी, नमस्ते। हाँ पोता आ गया, बहुत खुश है वो। एक बार बात करा दो बाबूजी। बेटे तेरे पापा का फोन, जल्दी आ जा। ये ले फोन ले। हेलो पापा। हाँ बेटा, कैसे है तू, वहाँ पे खुश है ना? पापा आपसे दूर रह के तो खुश होता हूँ मैं। मम्मी को बता देना मैंने उनको बिल्कुल मिस नहीं किया। यहाँ पे बहुत मजे हैं। भाई भाई मुझे तंग मत करो। बाय दादाजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत याद कर रहा था तुझे। अरे मेरा बेटा है, मुझे याद तो करेगा ही। बेटे सुन, तेरे वो बचपन के दोस्त नहीं थे, वो चड्डी में घुमा करते थे तुम, वो आ रहे हैं आज तुमसे मिलने। जल्दी तैयार हो जा, एक काम कर पहले खाना खा जल्दी। अच्छा दादाजी, अभी खाना खा लेता हूँ मैं। अभी ये क्या कर रहे हैं बेटे? आटा मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना पड़े, और पेट में अगर रोटी भी खाएंगे तो पेट में जाकर तो वो आटा ही बनेगी ना। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। हेलो दोस्त। बेटा वो मैं पास वाली वर्मा आंटी के पास जा रहा हूँ, उनके ना पति बाहर गए हुए, मैं थोड़ा आता हूँ। ध्यान रखना पागल बेटे का, मिलो तुम। ओके दादाजी। भाई तुम पागल हो क्या? मतलब मैंने सुना है कि तुम्हें सब पागल बेटा बोलते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये कितना पागल है, इसने कैसे मारा तुझको? देखो क्या बोल रहे हैं ये अंकल। ए मुझे अंकल कैसे बोल रहा है तू? ये अंकल ने मुझे डांटा, तुम कुछ करते क्यों नहीं? हाँ बा, क्या करूं मैं? मारो ना इनको, ये अंकल ने मुझे डांटा, मारो मारो। ये क्या चल रहा है? ये सुंदर सी लेडीज कौन है? ये हाँ ये तेरी दादी है। दादी दादी हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रे टेड गबरू नु मा दादी कैसे हो सकती है यार? हाय दादी। हाँ ये सच है कि तेरी दादी है, तेरे दादा ने सातवीं शादी की है इससे। अरे वाह, दादाजी तो बहुत अच्छे थे, सात सात बीवियों को पाल रहे हैं, ये होते हैं इंसानियत। क्या इंसानी है? बेटा कुछ खाओगे आप? नहीं बाबू। बेटा बाबू नहीं, दादी जी। मैं तो बाबू बोलूंगा। नहीं बेटा दादी जी बोलो। मैं बाबू बोलूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ, मैं मुझे नहीं रुकना इस घर में। नहीं यार भाई तू रुक जा, भाई तू बाबू बोल ले, पर कहीं मत जा, तेरे दादाजी हमें डांटेंगे। बाबू बाबू ये लो आटा खाओ। अरे आटा ऐसे नहीं खाते हैं, इसकी रोटी बना के खाते हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, देखो हम इसकी रोटी बनाएंगे और पेट में जाएगी फिर तो आटा बन जाएगी वो, इससे अच्छा सीधा आटा खा लो, टाइम क्यों वेस्ट करना, लो खाओ मुंह करो। बेटा ये छोड़ो, ये बताओ कैसा था आपका सफर? अरे सफर तो बहुत अच्छा रहा, मैं ना दो लड़कियों को अपना नंबर दे के आया हूँ, जब भी तुमको फ्री टाइम मिले तो कॉल कर लेना, टाइम पास करेंगे मिलके। मुझे भी एक लड़की का नंबर देना, मुझे भी टाइम पास करना है।
अरे तुझे तो नंबर दे दूंगा मैं। वर्मा आंटी के पास गया, मजा ही आ गया। खीर कितनी मीठी। बेटे क्या कर रहे हो ये, चल अंदर जा। भाई देखा तुम दोनों ने मुझे दादाजी ने कैसे डांट दिया। यार सुनना दादी जी ना सॉरी हाथ दबा दे इधर का साइड का। तू भी दबाना, क्या देख रहा है भाई। तेरे को एक बात बताओ। कौन सी बात, जल्दी बताना। वो लड़की है ना दादी, वो दादी नहीं इसकी बहन है। हाँ वो इसकी बहन है। वो तो तेरे दादाजी ने बताया था कि पागल बेटा आने वाला है, वो ना लड़कियों को छेड़ते रहता है, इसलिए ना हमने तुझसे झूठ बोला कि बात ताकि तू उसे छेड़े ना, पर तू तो उससे भी ज्यादा हरामी निकला। अरे ऐसी बात है क्या, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने। मैं थोड़ा जरूरी काम से आता हूँ तुम लोग। कहाँ जा रहे है, मेरी बहन है वो। भाई वो तो मुझे पता है मेरा प्यारा भाई। पता क्या बात है, देखो मुझे ना वो लड़की पसंद आ गई है। अब मैं तुझे बताता हूँ, मेरी दो तीन शादियाँ ऑलरेडी टूट गई हैं, तो शादी मैं खुश रखूंगा उसे। कमाता क्या है तू, जो शादी करा दो तेरी। मैं क्यों कमाऊंगा, वो कमाएगी मैं खाऊंगा। तुम रुको मैं आता हूँ। हाय बेटा। बाबू ऐसा मत बोलो, अभी मुझे पता चल गया तुम दादी नहीं हो, तुम उसकी बहन हो। हाँ आपको कैसे पता लग गया। बाबू मुझे पता चल जाता है, मैं CID में था पहले। वाओ। फिर मुझे निकाल दिया गया। ओके फिर मैं जाती हूँ घर, कल मिलते हैं, बाय। ठीक है बाबू, जरूर आना कल। तुम प्यारी करने वाली। क्या हुआ भाई, बड़ा खुश लग रहा है। तो क्या दुखी हो जाऊं। अरे नहीं भाई, पर अब तू क्या सोच रहा है। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि पीले कलर का कार्ड बनाऊं कि लाल कलर का। शादी का मेरी इसकी बहन के साथ। मैं ना उस पर वो लिखवाऊंगा, वो लिखा होता है ना यार, वो हमारे चाचू की शादी में जलूल जलूल आना। अबे क्या बोल रहा है, कौन सी शादी, किसकी शादी। भाई अपनी शादी तेरी बहन से करूंगा मैं, मुझे बहुत पसंद आ गई यार, वो कितनी क्यूट है वो। भाई देख ऐसे नहीं होती शादी, पर लड़की को तो पूछना पड़ेगा ना कि वो राजी है कि नहीं है। भाई देख अब मुझे इसकी बहन पसंद आ गई है, शादी नहीं करूंगा तो बेचारी बुरा मान जाएगी। और ऐसा मत सोच तो कि वो राजी नहीं है, उसने चाहते बाय बोला था मुझे, ऐसे बोली बाय। अभी तो बाय बोलने से शादी तक कैसे सोच लिया तूने। भाई मैंने तो चिंटू और पिंटू के बारे में भी सोच रखा है। वो ये चिंटू और पिंटू कौन है। हम हमारे होने वाले बच्चों के नाम है चिंटू और पिंटू। अच्छा नहीं लगा तुझे। भाई पकड़ मेरे को। अबे कहाँ जा रहे, रुक, तेरा खून पी जाऊंगा मैं। भैया आप नींबू पानी पियो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तुझे जानम से मोन, पैर होता है मे जानम से मोन। हे बहन तू क्या कर रही है यहाँ पे। भैया वो मैं। निकल जा से घर पर, रे बाहर मत निकला कर। भैया वो घर की चाबी। अरे यार मम्मी पापा बाहर गए हुए, अब दो दिन यही रहना पड़ेगा। ठीक है भैया मैं अंदर रेस्ट करती हूँ, जल्दी जा। मेरा भी ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है भाई, मैं भी अंदर चलता हूँ। सर दर्द हो रहा है, मालिश कर दूँ मैं तेरी। अरे मालिश वो ज्यादा दर्द हो रही है ना सिर में, तो इधर अच्छा नहीं लग रहा मुझे। चल रूम में चल, उधर मालिश कर देता। अब सिर का दर्द कम हुआ। बाबू आपको भी सिर में दर्द हो रहा है ना, मैं मालिश कर देता हूँ। ए पागल है क्या, मेरी बहन पे लाइन मार रहा है तू मेरे सामने। भैया मैं ना कोई भी काम चोरी छुप के नहीं करता, इसीलिए आपके सामने कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। और मुझे तो बाद में शादी करनी है ना आपकी बहन से, आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। अरे ऐसा मत करो यार, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। क्या। अरे मेरा मतलब है कि वो जो लड़की है ना वो दोस्त की बहन है, तो ऐसा मत करो उसके साथ। हाँ अच्छा, और वैसे भी तू पागल है, तेरी शादी कैसे करा दी उससे। अरे मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। अच्छा तू पागल नहीं है,
चल ठीक है, मैं तुझे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दे। अच्छा पूछो, अभी जवाब दे दूँ? अगर तेरे पास तीन रोटी है और मैंने उसमें से दो छीन ली तो फिर तेरे पास क्या बचा? तीन रोटी और तुम्हारी लाश। ए, तू मुझे मारना चाहता है? आप मेरे से ऐसे रोटी छीनोगे तो मार दूंगा ना मैं तुम्हें। अब यहाँ पे और दो दिन है, बस एक बार मम्मी पापा आ जाएंगे ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे बाप रे, सिर्फ दो दिन रुकने वाले हो आप? अच्छा आपने मुझे बता दिया, दो दिन में कितना कुछ करना पड़ेगा मुझे। अच्छा भैया एक बात बताओ, मैं शादी में शेरवानी पहनूं या पैंट कोट पहनूं? ए, ज्यादा हो रहा है ये, कम कर लो फिर। भाई तू शांत रहे यार, पागल है ये, कुछ दिनों में चले जाएगा, तब तक झेल लेते हैं ना। सुनो तुम दोनों, मेरे पोते को खुश रखना तुम लोग। हाँ दादाजी, खुश रखेंगे, पर आप बताओ कि हम खुश रखें कैसे? देखो बेटा, सब कुछ इसके हिसाब से करो जो वो चाहता है। थैंक यू दादाजी। भाई क्या चाहता है तू? भाई देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बहन की शादी करवा दो मुझसे। इसके अलावा और कुछ बोल। भैया मेरे साथ खेलो ना। गेंद रखा जाए उतना अच्छा, क्योंकि उनके रडार में यहाँ गेंद कहीं आ गई तो जितनी जोर से बल्ला घुमाते बाउंड्री के बाहर ही जाके गेंद गिरेगी। यार कैसे काम करने पड़ रहे हैं, चल कोई नहीं झेल लेते, दो दिन के लिए तो है। बढ़िया बढ़िया, अच्छा खेल रहे हो यार, कितना मजा आया ना खेल के, सूरज तो है लेकिन गर्मी नहीं है। ये कैसी बात करते यार बिना सिर पैर के। भाई देखना, मेरा ना पैर में बहुत दर्द हो रही है, अभी खेला ना मैं इतना सारा, दबा देना पैर। अब करने को यही बचा था, दबा रहा हूँ। दुनिया में आई हो तो लव कर लो, दुनिया में। भैया आप मुझे घुमाने तो ले जा रहे हो लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगा। तुझे गाड़ी चलाना आती है? हाँ आती है मुझे। चलो आप पीछे बैठो ना, आगे मत बैठो, चलो बैठो उधर। पर तूने गाड़ी चलाना सीखा कहाँ से? भैया मैं जब छोटा था ना तब मैंने सीखा था। अजीब बात है, कैसे सीखा तूने? भैया वो छोड़ो ना, ये बताओ इसको स्टार्ट कैसे करूँ, बटन नहीं दिख रहा है। ये बटन है। अरे वाह, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। भाई कैसे चला रहा तू गाड़ी? रोक इधर, इधर रोक भाई, रोक भाई, भाई गाड़ी रोक दे, भाई भाई गाड़ी रोक दे, भाई ऐसे कैसे गाड़ी चला रहा है, भाई गाड़ी रोक दे। भाई अगर तेरा हो गया हो तो चले। देख भाई तूने बोला था घूमने चलते, हम आए ना, अब चलना घर पे। गाड़ी मस्त चलाई तूने वैसे। ठीक है अब जाते हुए मैं ही चलाऊंगा, चलो बैठो। भाई सुनना यार, जूस पी के तो बहुत मजा आया मुझे, पर तुम लोग ना मुझे बीड़ी पिला देते तो मजा कुछ और आ जाता। जी तू बीड़ी पीता है? बीड़ी का जुगाड़ हो गया तो मेरा भी थोड़ा, मतलब 3 रुपए का बीड़ी पीऊंगा मैं। मैं 1.5 रुपए वाली दो पीऊंगा। भाई मैं ना कार चला के बहुत थक गया, पैर दबा दे मेरे। कार से कहते हम लोग, कैसे थक गया तू? मेरा पोता क्यों रो रहा है? कुछ नहीं दादाजी, पैर दबा रहा था। फिर ठीक है। तुम लोग कहाँ गए थे घूमने? जी हम बाहर गए थे, आप भी चलोगे? हाँ मुझे शॉपिंग करने जाना था। चलो फिर मेरे साथ, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे साथ में। तू उस पागल के साथ जाएगी शॉपिंग करने के लिए? अरे भैया आप समझ नहीं रहे, ये पागल है, इसके पैसों की शॉपिंग कर लूंगी मैं। हाँ चलो चलते फिर। कहाँ चलो, मैं और बाबू जाएंगे बस। चलो बाबू चलो, आप गाड़ी में बैठ जाओ,
घुमा के लाता हूँ फिर आपको, बहुत क्यूट लग रहे हो आप, चलो बैठो। मेरी तो बात बन रही है यार। वैसे आप भी अच्छे हो, लेकिन करते क्या हो? मैं क्या करता हूँ, वो मैं ना YouTube पे फनी वीडियो बनाता हूँ। तुम ना बहुत पागल हो। थैंक यू बाबू। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम थोड़ी फास्ट गाड़ी चला रहे हो? जी मैं तो ओलंपिक में गया था रेसिंग में, सबसे पीछे मैं ही था। बाबू मुझे ना पूरे 10,000 की शॉपिंग करनी है। अरे इतना पैसा नहीं है मेरे पास, एक काम करो तुम वापस घर चलो। अरे तो 2,000-3,000 की कर लेंगे। अरे नहीं मेरे पास सिर्फ 20 रुपए है, उसमें कुछ होता है तो बताओ, नहीं तो घर चलो तुम। अरे तुम तो बड़े कंजूस हो। तुमने मुझे कंजूस बोला, तुम्हारी तो। तुम बाहर निकलो गाड़ी से। तुमने मुझे कंजूस कैसे बोला? वो देखो वो 3-4-5-50 किलोमीटर दूर घर है, पैदल आओ तुम। तुमने मुझे कंजूस बोला, पीछे हटो। उसने कहा भूल जाओ मुझे, मैंने कहा तू है कौन सी वाली, मुझे तो ये भी याद नहीं। यार यहाँ तो बस और ऑटो भी नहीं है, ये मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चला गया, मैं कैसे घर जाऊंगी? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो बैठो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पागल, बारिश में रोड पे मत खड़े रहो, आ जाओ बैठो। इसको क्या हो गया? ठीक है बैठ जाते। पागल ऐसे रोड पे क्यों खड़ी थी तुम? ऐसे मुझे बता देती मैं तुम्हें ले जाता। अरे यार तुम्हारी शक्ल देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। अरे तुम्हें तो मैं छोड़ के गया था रोड पे कि पैदल आओ, चलो उतरो उतरो, तुम ऐसे कैसे बैठ गए, उतरो। अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? निकलो अन्नू। अरे यार अब मैं, मेरा फोन भी गाड़ी में रह गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी, पैदल ही जाना पड़ेगा। देखा है पहली बार साजन की आंखों। उसे रास्ते में छोड़ के आया पैदल, अब वो पैदल आएगी ना पतली हो जाएगी। कितना सोचता हूँ मैं। और भाई कैसे गया शॉपिंग? और मेरी बहन कहाँ गई? आपकी बहन? अच्छा वो मेरे साथ शॉपिंग करने गई थी, वो पैदल आ रही है। पैदल क्यों आ रही हो? वो तो तेरे साथ गाड़ी में गई थी ना। अरे मैं तो उसे रास्ते में अकेला छोड़ आया। ए पागल बेवकूफ। हाँ वैसे एक्सरसाइज भी हो जाएगी उसकी। इस उम्र में होती है महिलाओं को समस्याएं, बाबा सिर खांसी जुकाम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। मेरी बहना तू ठीक तो है ना? भैया मुझे आज के बाद शॉपिंग कभी नहीं जाना। देखो ऐसे जाना भी नहीं चाहिए अकेली लड़की को। अकेली लड़की? तू खुद उसको रास्ते में अकेले छोड़ आया? अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तेरी तो। क्यों बे, तुझे पागल दिखता हूं मैं? बेटा सब जानता हूं मैं, समझा?